दिनों टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या अपनी शादी को लेकर लाइमलाइट बटोर रही हैं। तो वहीं इसी बीच टीवी की एक और एक्ट्रेस अपनी शादी को लेकर लाइमलाइट में है। खास बात यह है कि इस एक्ट्रेस की शादी में उनका एक साल का बेटा भी शामिल होगा। वेल, आप भी अब सोच रहे होंगे कि भला ये एक्ट्रेस कौन है और क्या ये एक्ट्रेस शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन चुकी थी जो अब वो शादी कर रही है और उनकी शादी में उनका बेटा भी शामिल होगा। तो आपको बता दें कि ये है जानी मानी टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी, जो अब अपने पति के साथ गोवा में ट्रेडिशनल वेडिंग करने जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पूजा और उनके पति कुणाल वर्मा साल 2020 के अप्रैल में ही कोरोना की वजह से कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना अधूरा ही रह गया था, जिसे अब वो हालात नॉर्मल होने के बाद पूरा करना चाहते हैं। हालांकि अब पूजा और कुणाल का एक साल का बेटा भी है जिसका नाम त्रिविश है। अपनी शादी के बारे में बताते हुए पूजा के पति कुणाल कहते हैं, हमारी शादी 2020 के अप्रैल महीने में होने वाली थी, महामारी की वजह से शादी कैंसिल कर दी गई। उस वक्त हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बीच पूजा प्रेग्नेंट हो गई और ट्रेडिशनल ड्रीम मैरिज का प्लान कहीं पीछे छूट गया। शादी से फोकस हटकर हम पेरेंटिंग पर ध्यान देने लगे। मेरे जहन में फिर शादी का ख्याल नहीं आया। वैसे पूजा की दिली ख्वाहिश है कि वो पारंपरिक तरीके से साथ फेरे ले और अपनी शादी एंजॉय करे। मैंने शादी की प्लानिंग पूजा की खुशी के लिए ही की है। वही पूजा के साथ अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग के बारे में बताते हुए कुणाल ने खुलासा किया, पहले हम सोच रहे थे कि आर्य समाज के तरीके से हम मुंबई में ही शादी कर लें, जिसे मेरी माँ ने ही सजेस्ट किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर हम मुंबई के आसपास के इलाकों में ही डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वेन्यू देखने लगे। आखिरकार हम गोवा पर आकर कन्फर्म हुए। 2020 में भी हम डेस्टिनेशन वेडिंग की ही प्लानिंग कर रहे थे। अब फाइनली 15 नवंबर को हमारी शादी हो रही है। वहीं कुणाल ने ये भी बताया कि शादी में 3 दिन तक फंक्शन होंगे, जहां पहले दिन कॉकटेल पार्टी, संगीत और फेरे होंगे, तो वहीं पार्टी का थीम ग्रीन और पिंक रखा गया है। कुणाल इस बारे में बताते हैं, मैं और मेरा बेटा इसी कलर की शेरवानी पहनेंगे। पूजा ग्रीन आउटफिट में होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा बेटा भी मेरे साथ घोड़ी पर बैठेगा, जो आगे चलकर अपने दोस्तों को प्राउडली बताएगा कि मैंने अपने पापा की शादी अटेंड की है। ये काफी अजीब है कि हमारी शादी में बेटा भी शामिल है, लेकिन महामारी ने बहुत कुछ बदल दिया है। आपको बता दें कि गोवा में शादी करने के बाद पूजा और कुणाल मुंबई में आकर एक छोटा सा रिसेप्शन पार्टी भी देने वाले हैं। वेल, बेशक पूजा और कुणाल के 1.5 साल बाद फिर से शादी के बंधन में बंध रहे हों, लेकिन जो बात सभी को हैरान और खुश कर रही है वो ये है कि इस शादी में उनका नन्हा बेटा भी शामिल होने जा रहा है, जो अपने मम्मी पापा की शादी में स्पेशल गेस्ट भी होगा।